मेरे साथ मैं वो कहूंगा कि आप आए और अपने विचार रखें, फैसले को उनसे लड़ करें, फैसले को उनसे लड़ करें। बंगाल समाज पार्टी, बंगाल समाज पार्टी। सूखा हर हालत में फायदेमंद है।
जन्म देगा, स्वास्थ्य उधर देगा, स्वास्थ्य देते ही देता है, दीखा क्या ही देता है। और अगर सूखा हो जा तभी तांगवा अगर हो गया किसी तो उसका दाना अगर इस्तेमाल कर दिया तो वो तांगवा ठीक हो जाएगा। वो इसको जानते हैं हर तो हर मामले में ठीक है। इसलिए मैं आपसे अच्छी बात कर रहा हूं। हम यहां में बैठे आपसे ये बताए बैठे दावधारी आई बढ़े आपने बताओ कि कितने लोग बगैर मां बाप से पैदा होंगे। कोई है तो हाथ उठाओ, दादी हम ही निर्भर करेंगे। कोई है ये भाई अफर्ज हो गया कि बगैर मां बाप के कोई पैदा नहीं होगा। बगैर माता पिता के पैदा नहीं हुआ, यहां भी कोई बगैर माता पिता को नहीं पैदा हुआ। केवल आदमी में नहीं, जल से फल से मल से धीर से आचर जितने जीव पैदा हुआ है नारी पैदा होगा। लेकिन आपके बीच में कुछ ऐसे जरूर आते जो धर्म से टीका लिए रहे, खुद रहते हैं धर्मी, फैलाते हैं धर्म और कहते हैं धर्म, टीका लिए है धर्म का, इतना बड़ा मतलब है मस्तिष्क। लेकिन मां बाप पूरे और नकली व्यवस्था की धातु आप नकली में फंस करके मर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है। अपने माता पिता का पैर नहीं छूटे, कोई नेता मोदी चलाया तो पैर छू लिया, कोई गुंडा गुंडी चलाया तो पैर छू लिया, दूसरे को सताने वाले को बड़ा मान के उसका पैर छू लिया। सरवती आदि तीनों भगवान में तुम नहीं मरते, जिसने पैदा किया, जिसने हर कुत्ता पे खड़ा कर दिया उसका पैर नहीं छूटे, उसका सम्मान नहीं करते, उसका सेवा नहीं करते। माता पिता के सेवा से बढ़कर, बुजुर्गों के सेवा से बढ़कर दुनिया में कोई धर्म हुआ है ना आगे भी कोई धर्म होने वाला है। जो अंतर नाम लेके आए उसको धोखा धोखा फरेब का होकर आओ, उनकी सेवा नहीं। जिस उन्होंने 9 महीने तक हमको अपने पेट से हमको पाला पोसा और घर का भी काम किया, सेवा भी किया परिवार का, एक कल्याण में जाके काम किया, इतना किया जाती है दूसरा धन्यवाद और दुनिया झेलती है। और जिस दिन हमको पैदा करने का समय आता है, जब हमको पैदा करने लगती है बहुत किया इतना भेद हो जाता है, जहां सेवा किया होता है मां रोती है चिल्लाती है तड़पती है बिलकती है आंसुओं की धार बहाती रहती है, उस पिया को फिर माए ही जान सकती है हम आप सब महसूस कर सकते हैं। लेकिन फिर समय मां हमको धरती को उधार देती है पैदा कर देती है, उस समय रोती हुई तड़पती हुई मां हम देती है अपने प्राण को हथा भी देती है, वो है मां। हम देती है हथा देती है
पिता भी जीने में सोते हैं, हमको सुनते चला गए। जब तक आई माँ का आपको भी बैठा, वो है माँ पिता कागजे करता है कि पता नहीं क्या हो जाए, पूर्ण भाई हो जाए। जो लगती है हमको अलग गिर जाती है माँ को, दुखी हो जाता है पिता, वो वही माँ का पिता। आज मुझे एक गिलास पानी आ रही है माँ, एक गिलास पानी की नजर आ रहा है पिता, पानी पिला दो, पानी पिला दो, पानी पिला दो। लेकिन मैं एक गिलास पानी के लिए तड़प के खोकर चमड़ा लड्डू बनाने के नारियल पानी लेके चला जाता है। गुलामी गुलामी लाचारी भगवानी गरीबी का कारण है, तुम्हारा चेहरा मुरझाया है, इसका कारण वही है। वहां आपको किया रही तो तुम्हें अंदर से आपके बाहर भी अपना नहीं मिलेगा। माँ बाप तुम लाए हो और पत्थर तुम हटाए हो, पत्थर हटेगा पत्थर। तुम्हारा सत्यानाश गुणागान जो सुनो, बड़ी कड़ी बात मैं कहती जा रहा, मैंने कह दिया था कि अपनी बात सुनेगा हिम्मत हो सके तब बात की जाए। अब आपके पास पहले आपको सुनना पड़ेगा अपनी बात, और ये जान लो माता पिता रोएगा आंसू भी लेगा माँ बाप का, तुम्हारे चिंता रहते तब तभी स्थिति नहीं रह पाओगे, तभी चेहरा तुम्हारा समझता नहीं रहेगा। लेकिन आज से हमारी बात मान लो, अगर माँ अपने माँ बाप के पैदा हुए हो, जो भी अपने अपने माँ बाप से पैदा हुआ हो, जो नकली से पैदा हुआ हो, ऐसे लोगों की बात मैं नहीं करता, उससे हमारा मतलब नहीं है। आज से ही सही, अगर असली हो तो आज से बात मान लो। नंबर एक, अपने माता पिता का बुजुर्गों का सेवा कर, तुम्हें खाने का हक है, नहीं तो नहीं खा सकते। यहां नकली माँ बाप को बुलवा दिया गया और नाटक करते हैं, यह माँ बाप एक लाख पानी के तौर से तरफ से मेला में मर गए, सब वहां नहीं कर रहे हैं, बरही कर रहे हैं, भोज कर रहे हैं, भरम भोज कर रहे हैं, मर रहा है बाप, मर रही है माँ, और कर रहे हैं भरम भोज। शराब ही नहीं आती है, कहां गए? अरे मरने के बाद तो खिला रहे हो सबको, जिंदा रहते रुला रहे हो माँ बाप को, तब तुम्हें तुम्हारा सत्यानाश नहीं होगा। ये बार कोई तो सुन लेना, आज से ही जो अपने असल माँ बाप से पैदा हुए हैं उनको अपने माँ बाप का सेवा करना पड़ेगा। माँ बाप को सबसे पहले सुनाओ सुनाओ और उनको नाला और बनाओ सेवा करो, और पूजा करने का मन हो तो अपने माँ बाप का ही फोटो खिंचवा के अपने घरों में टांग के रखो, जब पूजा करने का मन हो तो अगरबत्ती उनकी के सामने सुझा दो और माँ बाप को वही चढ़ा दो। माँ बाप जिंदा रहते ही जगत रहेंगे कि हमारे बच्चे वाकई में हमारे अपनी लाल है, हमारे अपनी बच्चे है। तो वो कैसे हृदय से जो आशीर्वाद अंदर से देंगे, उस आशीर्वाद को लेके
तुम्हारा चेहरा महाभारत का सीमा में कभी नहीं आने चाहिए। माता पिता से बेहतर जो दुनिया में कोई अपना हितैषी न हुआ है न आगे भी कोई हो सकता है। और माता पिता के बाद दूसरा सबसे बड़ा हितैषी होता है अपना बड़ा भाई। भाई जी ने कहा गया है कि कमेरी भी अच्छी थी कितनो भैया कवि तभी सीतल था और कितनो भैया कवि तबो दाही बा नीम करते कितना कलवा क्यों न हो लेकिन उसका छाया सीतल होता है कि नहीं होता है बताओ। और उसका पत्ती उसकी पैरी उसका पान उसका फूल उसका जड़ सब आपके लिए औषधि का काम करता है। वह चंद्रमा वाली कैसे खुलवाए और अमेरिका ने पेटेंट करना शुरू कर दिया तब हमारे लिए आया कि अभी इतना महत्व अमेरिका पेटेंट करने जा रहा तब थोड़ा सा इतने ज्यादा गुलामी स्वतंत्र हुए हैं यहाँ के लोग तो मुन्ना के लोग कभी कभी जीवन था कि लोग भैया बैली करोड़ा ही माँ भाई कितना ही हमारा दुश्मन होता है मान ले हमारे भाई है बड़े रोजाना हमको मारते हो लेकिन अगर इनके जानकारी में कोई दूसरा कोई हमको और दिखाने लगेगा तब भाई और भाई का दूध चपक जाएगा कि नहीं चपक जाएगा तो भाई खड़ा हो जाएगा और कहेगा मैं अपने भाई को मारना चाहे भाई को जो चाहे तो करूं दूसरा कोई कैसे हिम्मत किया अगर आंख दिखाने वाले के लिए आएगा तो वही हमारा भाई आंख निकालने का काम नहीं आएगा। ये है भाई इसलिए माता पिता के बाद अपने बड़े भाई का पैर छू के सम्मान करके आगे किसी भी काम के लिए दौड़े तो भाई का संरक्षण भाई नहीं बना रहेगा और भाई भाई में कभी झगड़ा नहीं होगा आपस में भाई झगड़ा रहेगा उसी भाईचारा को लेके बॉम्बे आंदोलन इसलिए यार आज से आप अगर वाकई में असली हो तो असली ये काम करना नकली हो अगर नकली हो तो भाई आप मिला दो कितने लोग नकली ये देंगे नगरी कोई है दिखाई नहीं पाता इसलिए मैं यहां वही बात कर रहा हूं किसी को पहले तक नहीं दिया और किसी हमारे समाज से इस हमारे परिवार से पैदा हुआ आलोक नायक ज्योतिबा फुले ने टक्कर लेके दिखा दिया हर आदमी को पढ़ने का अधिकार है। मैं साफ सब्जी भले पैदा करता हूं भले ही बेचता हूं लेकिन पढ़ने का हक हमको है हम पढ़ेंगे भी अपने समाज को भी पढ़ाने के लिए एक आंदोलन चला देंगे वो उन्हीं का नाम आलोक नायक ज्योतिबा फुले। बहुत डिटेल में बताने लगे कि जितना उनको झेलना पड़ा हूं उनकी पत्नी सावित्री बाई फुले और ऐसी पहले ही अंदर कमरे में नहीं बैठे आया क्लास बाहर ही मैं जिस काम पर देखा वही ने कहा करता गया पढ़ता गया पढ़ता गया पढ़ता गया और इतना पढ़ा कि आज के स्थिति में दुनिया के उतना हुआ अछूत कोई पहले नहीं हुआ अछूत का बेटा
आलोक नायक के युवक हुए आलोक माता सावित्री बाई का सपना इस धरती पर हम उतारेंगे। वो सपना साकार पार्टी विवाह साधना कर क्षेत्र में छपी जमीन में हजार को कर दिया करके दिखा दिया। अच्छा 26 जनवरी 1950 को संविधान दे दिया यहां के जनगणना को तो शिक्षा का दरवाजा खुले है अनिवार्य हो गया शिक्षा वही खिसियान गिरिया खंभा रोजे जो लोग रोकते थे ये सुर जाने के लिए वही लोग ये सुर खोल खोल के विज्ञापन दे रहे लोगी छपवा रहे हमला कर दे कोई कोई पुलवाने कोई कराने दे जितने हमारी है सब इकट्ठा हो गए यूनियन बना ले एसोसिएशन बना के अकेले बड़ा आंदोलन करता है और कहेगी नहीं कोई रानी अभिगम के पेड़ से ही नवाब लेकिन तू अगर कभी हो तो आज सत्य कर लो कि सबका एसोसिएशन बना के जितने ठेकेदार जो हो सब के सब तय करके पहला क्रम पर तहसील लिखवा दूंगा तो जाके वहां जाओ तहसील लिखवाए दो कोई पहला खुला अरे आपका तहसील लिखने के लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था जनता का शासन जनता द्वारा जनता ही और क्यों चाहे गरीब हो बिगमंगा हो चाहे मोहर वाला हो कुछ भी हो उसके वोट की कीमत थी पहले और वो तकदीर नहीं बनाएंगे वो तकदीर नहीं बनाएगा वहां का कार्यालय समाप्त हम यहां हर घर घर में कार्यालय हो गया पानी की भी तारीफ पानी की नहीं है नहीं तो खेतों में जाने वाले जो धरती देखने ताकने वाले लोग हैं ऐसे लोग को कहो ये जाओ देखो कहीं कुछ लोग है लुके खिड़के देखो कहीं नहीं है और तो बाबा साहब ने कहा और तस्वीर निकले का काम ये सभी लोग करेंगे और कोई अलग से तस्वीर लिखने वाला नहीं है तो आप तस्वीर क्यों नहीं लिखते क्यों तस्वीर लिखने के लिए लाभ भाषे चाहे कहीं उनके कहने पर कहीं उनके कहने पर दलितों के कहने पर जो अपनी राय दे देते हो तस्वीर उनकी बना देते हो अपनों की तस्वीर नहीं बनाते असली की तस्वीर नहीं बनाते कौन असली बात करेगा कौन नकली बात करेगा। उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने घर घर के लोग गुजर गए उनके असली लोग लगे और असली समाज का निर्माण करके असली बहुजन का सरकार बना लिए वह बहुमत से सरकार बनी और बहुमत की सरकार लोग समझते थे कि अरे कौन मानेगा ही असली को कौन मानेगा तो जितने कुछ खेत वाले थे जितने पैसा के लोग थे जितने वो लाल मिलकर पैसा के लोग एक लाल मिलकर से पैदा वो लाल मिलकर इतने पैसे के थे कि वो कहते थे मेरे अलावा कौन है व्यक्ति ये बार वो अपने परिवार को कहा कि जाओ सुनो चढ़ाओ बीच में एक नदी पड़ी तो परिवार के लोगों ने कहा जब देख लो फिर अब हमने की सरकार बनी तो बनते ही वहां जितने झूले बदमा
गांधी जो इकट्ठे लुटेरे मोफिया सब के सब उत्तर प्रदेश की धरती छोड़ के भाग गए, यहां तो जेल के अंदर फूंक दिए गए, एक भी कोई बता नहीं। और जो नहीं आए पकड़े में आए वो यहां पद प्रदेश चले आए, कोई हिमाचल प्रदेश आ गया। आप पूछे ये हमारी मां बहनों के देश में साड़ी पहन के बिलाऊ पहन के घर में रोटियां सीख रहे, लेकिन बहन तुम्हारी मायती भी ये डाल डाल तो बहन ही पास उन्होंने क्या कर दिया, जितनी महिला पुलिस थी सब जीत उठे हर जवाब तक फैला दिया, जाओ जाओ वो महिलाओं के भेद में जो अपराधी नहीं छिपा हो उनको पकड़ करके जेल में दूर हो। आज मृत्यु तो हो गई, आज भाग रहे सब, लेकिन भाग के कहा है मध्य प्रदेश में साहेब खबरा है और घबराना बहन जी बहुजन आंदोलन है, बहुजन बहुजन किसका है, कहां से आया है ये देश का वो पटाख जो पूरे दुनिया को प्रकाशित कर रहा है, भगवान बुद्ध का प्रकाश आज पूरे दुनिया को प्रकाशित कर रहा है। कलेक्टर और कमिश्नर तक को बता दिया गया तू कलेक्टर साहब और कमिश्नर साहब मत करवाना, तू नौकर कहलाओ नौकर हो कौन लीजिए, इसके अलावा कुछ नहीं। अगर तू साहब का लाओगे तो तुम्हें अपना नौकरी में नहीं रखने दिया जाएगा, ये नहीं होगा। पर्दा में तीन मन से मत रहो, पर्दा हट गया और कलेक्टर किया जिलाई किया डीआईजी किया सरकार किया इसकी ध्यान ही अब पर्दा नहीं रह गया, पर्दा हट गया, नौकर दिखाई पड़ने लगा और रात रात भर काम करना पड़ रहा है जीवों का नाम कुछ लिया, ताकि सौराज खेल की तरह से वो काल के पढ़ने को मिले, सम्राट अशोक का जमाना भी आ जाए। इसलिए भगवान बुद्ध के नाम पर गौतम बुद्ध ने जाती है, भगवान बुद्ध की माता महामाया महामाया के नाम पर महामाया नगर दिया, भगवान बुद्ध के पर प्रज्ञानाम सिद्धार्थ सिद्धार्थ के नाम पर सिद्धार्थ नगर दिया, भगवान बुद्ध के कर्म बलि सारोपियों को स्वामी उसके नाम पर कौशामी होना, भगवान बुद्ध का जहां पुण्यवान हुआ महापुण्यवान जहां अंतिम सांस लिया वहां भगवान बुद्ध ने खुशी नगर खुशी नगर के नाम पर खुशी नगर जिला होना, हमारे जिसने हमारा ज्ञान चक्षु खोलने का काम किया उसने जनरल डायर ने उन्हें भी गोलियों का शिकार बनवा दिया था, स्कूल जाया करता था पहले और पढ़ते समय जो लोग उसको चिहाते रहते थे उसके माँ बाप के बेटे को लेकर पटक के मारा करते थे, फिर उसको कहता था वो धम तू धम बचाना बंद कर दो नहीं तो तुम्हें काले से निकाल दिया जाएगा। उधम जी ने कहा गुरु जी आप हमारे गुरु हो, चाहने का काम ये सब करते हैं मैं पालने में सब करते हूं, लेकिन ये कदहे भी है और हमको चिढ़ाने का भी काम करते हैं, अगर ये चिढ़ाएंगे या तो इसको आप मना करिए सुना दीजिए और अगर आप नहीं करेंगे तो हम इसको मारेंगे जरूर। सिंपल ने कहा
हमें अपने शरीर पर इतना नाज है कि क्यों नहीं अपने पाप का मौजवा जनरल डायर से लंदन में जाके वो तो सोचता था कि ये जा नहीं पाएगा, ये किसान का बच्चा बिना बाप का बच्चा जाएगा कैसे, इसलिए इसने ये बात तबले में कह दिया। लेकिन अपनी परिवार का भली कहता उसके दिमाग में खा गया, मुझे अपने बाप का बदला लेना है। ये बेटी वो अपने माँ से जाके कहता है सारे दो साल आ कैसे बदला ले, अपने माँ से एक दिन जाके कहता है माँ पिताजी अगर होते तो उन्हें लंदन इंजीनियरिंग पढ़ाने के लिए भेज देते, लेकिन मैं क्या करूं माँ, तो माँ का कलेजा फटने लगता है। माँ कहती है बेटा बाप तुम्हारा नहीं है, मैं तेरी माँ भी हूँ, तेरे लिए तेरा बाप बाप ही जाता है माँ, तेरे जन्म का आशीर्वाद रहेगा, तो मैं लंदन जाकर सफल हो जाऊंगा, तेरा नाम रोशन होगा, पिताजी का नाम रोशन होगा, पूरे देश का नाम रोशन होगा, अपने समाज का नाम रोशन होगा। माँ ने कहा बेटा माँ तो नालायक बेटे को भी आशीर्वाद दे देती है, तू नालायक बेटा हो, तुम्हें तो हर पल और हर साल तुम्हें आशीर्वाद ही आशीर्वाद दे रही है, जाओ तो सफल हो जा। लंदन जाता है, नाम लिखाता है, पढ़ने लगता है, लेकिन पढ़ने के लिए तो गया नहीं था, तो एक मोटी किताब दिया, मोटी किताब लेके सौ पन्ने इधर सौ पन्ने इधर छोड़ के बीच के इतने रोटे पन्ने में एक छोटी सी पिस्टल छिपाने भर के लिए साझा कटवा दिया, उसी छोटी पिस्टल छिपा के हाथ खुला था हुआ पहुंच गया और कहा जनरल डायर बहादुर करने वाला था, उसके ठीक सामने वाली कुर्सी पर चेयर बैठ गया और किताब और पढ़ने लगा। विजिलेंस के लोग पुलिस वाले सब आगे के देखते रहे, सोचे कि ये तो छात्र है किताब पलट से पढ़ रहा है, कुछ है नहीं, जब उसकी इतला भी ली गई तो वहां उठा दिया किताब को भेज दिया और जब तलाशी ली गई तो उसके शरीर में कुछ खा रही मौत से छिपी हुई किताब में। जैसे जनरल डायर आया सम्मान हुआ भाषण करने लगा कि मेरे राज्य में सूर्य डूबता ही नहीं और जहां तक मेरा राज्य है पूरे दुनिया में हमने कंट्रोल कर लिया है, जो आवाज उठाता हमारी गवर्नमेंट के खिलाफ उसकी आवाज गोलियों से दबा दी जाती है। भारत जैसे विशाल देश में इतना कंट्रोल कर लिया है, जलियांवाले कांड को सुना होगा, जैसे लोगों ने आवाज उठाना शुरू किया वैसे ही जैसे वो कहना शुरू करने वाला था कि गोलियों से आवाज दबा दी गई, तब तक हमारे असली परिवार का असली बेटा उसका किताब में से निकाल के उसकी मौत आए 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 तीन गोली मार दिया और जनरल डायर लंदन उसी जगह धवाधारी हो गया, पूरे लंदन में हाहाकार हो गया, लंदन के लंदन मारी उम्र कितने आवे विश्वास नहीं था, अरे जनरल डायर को मार दिया, जनरल डायर को मार दिया कैसे हो सकता है, एक किसान का भी ना आ गया जाके देखते हैं कि सही में जनरल डायर मरा हुआ है, पूछते हैं तुम्हें क्यों मारा, तब वो अपने परिवार का अपने बेटा बिना मार के कहता है मेरे पड़ोस का प्यारा था, मेरे देशवासी का प्यारा था, इसलिए मैंने ठान लिया था बंगला लेने के लिए, आज मैंने बंगला ले लिया, सारे बंगला का हमारा कर दिया, तब वहां के अंग्रेज भारत में रहने वाले अंग्रेजों को संदेश दे दिया इंडिया छोड़ के जब बीच रहे हो नहीं तो एक किसान का बेटा
तुम्हारी क्या है ये मान रही कि हमें किसान के बेटे होंगे वापस फैल गई सब अंग्रेज यहाँ से चले गए लेकिन यहाँ से आवाज उन्होंने सही से उद्धव जी का नाम कभी नहीं लिया। तब ये मंत्री गणित के पास लेकिन इस परिवार से पैदा हुआ तृणमूल मौर्या का भी सिकंदर की हुकूमत को हाथ करके अपने हाथ में सारा सत्ता ले लिया देश आजाद कर दिया। और सिकंदर की बहन चेतना को भी अपने ब्याह लिया और इसलिए ये दाढ़ी चढ़ाने वाला समाज है दाढ़ी चढ़ाने वाला नहीं है नकली लोग दाढ़ी चढ़ाने वाले लोग हैं अपनी लोग दाढ़ी चढ़ाने वाले लोग हैं। बहुत फर्क है जो अपनी बात समझ के सब समझ में आएगा। ये देखिए आपसे हम निवेदन करें उनका होगा कि नहीं होगा जाइए कहा जाओ चुनाव काम से इतने नाम नहीं होंगे तो जो त्रिवस्त्र के नाम नहीं होंगे वो गर्व लेते हैं सबसे पहले है पैसा इतने झूले के नाम नहीं होंगे तो बेटा मोहन सब नहीं कहोगे कह दो हिम्मत को जो तो ला रहे हैं जो झूले रहे हैं बोलते तो जब हिम कहना ही पड़ेगा उनको देखना एक नाम लेने पड़ेगा उनको मोहन चाहे कहना पड़ेगा। अरे कहे तो हम चाहे टिकट की बात है टिकट आप मौजूद है पूरा कि नहीं हुआ ये हमारे गरीब परिवार पर निर्भर करेगा ये चक्कर मत रखिएगा ये अपने परिवार नहीं जानता नहीं कभी कोई समा क्या होगा आपने जब है हम लोग दौरे पर निकलते हैं रास्ते में जानवर बहुत दिखाई देते वो जानवर रोशनी देख के भाग जाते इधर कुछ इधर भाग जाते और वो जानवर भी सड़क मरने की स्थिति होगी। आज बार बार कर लो जो अपने माँ बाप के हैं अपनी माँ बाप करके भाग गए अपनी माँ बाप के आशीर्वाद करें और अपनी भोजन को मांग के लेके चले के चले अपनी महापुरुषों चले जो अपनी माँ बाप के करोगी तो अपनी माँ बाप को दिखाई पड़ेगी अपनी माँ बाप को नहीं मानते थे इसलिए जब नकली को मानते थे कोई नकली ये दिखाई पड़ता तो आज से आपको आज हम इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे चाहेंगे यार वो कांग्रेस आंदोलन को इतना गति दे इतना आगे बढ़ाने ये झंडे के लिए ये हमारा परिवार तय कर ले कि हर घर से हमारा परिवार दुख मारने वाला नहीं है। ये दावे के साथ ये झंडे की मेहनत की थोड़ी भी लगी रहेगी तब ये काम करके वो अभी उनका आशीर्वाद पहुंच जाएगा कोई रोक नहीं पाएगा रोकना भी जाएगा तभी नहीं रोक पाएगा। मैं और मजदूर को जाऊंगा अपने अपने समाज को अपनी दिशा में देंगे आगे बढ़ जाऊंगा। अब अगर कोई गलती हमसे गलत बात निकली हो तो आप लोगों में से सब भी हैं जो सजा देना चाहो अभी आगे दे दो मैं माफी मांगने वाला नहीं मुझे पहले कर दिया अग्रीन मरिया का कोई योजना कोई आप झूठ नहीं बोल रहे सरकार आप चलाओगे लेकिन कंट्रोल हमारा रहेगा। एक चीज बोलना है जैसे ये लोग पढ़ने की भावना रखते हैं तो बोले आंदोलन के लोग हम लोग बदले की भावना नहीं रखते आप लोगों ने भी मैं कहा आप कहेंगे कि मुसलमानों के खिलाफ लड़ो मुसलमानों से तुम्हारी याद की हो मारे आप और सोचा
ही मारे कहा जाता कि माता बाबा गाजी है माता खा मिलावा ये नहीं करने वाला है ये और ये क्या करते आप तो कहते हिंदू हिंदू है मुसलमान है दुश्मन आप वहां क्या करेंगे मुसलमान को बनाएंगे जमा नदियाँ छोटी बड़ी नाल नदी नाले सब बह के जाते हैं समुद्र में और समुद्र हो जाता है वैसे सारे जातियों के लोग आकर के भोजन में समाहित हो रहे हैं तो भोजन एक समुद्र है समुद्र महान है अब उस महानता में सभी लोग आनंदित हो जाएंगे जब सबको जोड़ने की आप बात करें तो जाति के सम्मेलन क्यों जाति का सम्मेलन जातियों के नाम पर चूंकि अभी तक प्रताड़ित किए गए सताए गए तुराए गए नीच अछूत कहे गए यहाँ के ठेकेदारों ने किया आज तो उनको इकट्ठा करके जोड़ रहे बहुजन आंदोलन बना रहे बहुजन आंदोलन में आ जाएंगे तो बहुजन समुद्र तैयार हो जाएगा मेरे मित्र
कहा है आपने? बुंदेलखंड में सामंतों की बात होती गई है, बसपा सामंतों से लड़ती रही, वही सामंत फिर बसपा में आ गए हैं। जब सबका नाम बदल जाएगा नियत, आज वो हमारे कंट्रोल में आ जाएंगे, तो मैं जो कहूंगा वो कहेगा, कहूंगा उठ जाओ तो उठ जाएगा, बैठ जाओ तो बैठ जाएगा। नहीं तो अब दलित का मोह भंग होने लगा। दलित माने क्या हो गया? आदमी में कोई दलित होता है? वही तो हम सब हटा रहे, सब आदमी है, सब इंसान के औलाद है, इंसानी समाज बनाने जा रहे हैं। वही है बहुजन समाज बन रहा है भाई, वही पुरानी मानसिकता मत बताइए। ये असली लेके चलिए, अब असली को असली माने जो इंसान का औलाद है, इंसान बन राजू खत्म। अरे खाली आप लोगों के दिमाग में रहा हो, यहाँ के यहाँ जो सेवा करता चला आया, काम करता चला आया, वो निर्माण करता चला आया। बसपा ने कहीं तिलक तराजू की बात नहीं की, कभी यह बात कर रही है फालतू बात, उन सब हराम खोरों ने किया, बसपा ने कभी नहीं किया। क्या करेगी ये सब, ये मुनाफाती बात करेगी क्या? बसपा ने ये बात तराजू की बात नहीं कर, ये बात कभी हुई नहीं। ये वही लोग करते हैं, मायावती जो निकम्मे लोग हैं वही निकम्मई की बात करते हैं। मायावती जी भी कभी नहीं करती रहे। अरे क्या बात कर रहे हैं, मायावती जी हमारी अफवाह है, कौन है इस देश में, उस नेतृत्व के मुकाबले में कौन माई का राम का मंदिर वो बनवा रहे, बसपा ने राम का मकान वो बना रहे, राम का सेतु बचा रहे, उनका मतलब सेना थे राम का सेना सिर्फ मात्र पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद। चित्रकूट से ही वैसे में झांसी यूपी में जो काम करते रहे, नाम लिखो पता लिखो दोनों लोग निकल गए। आप जो है पैसा साधना बिना उनकी पार्टी